बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट कर दूंगा जी मैं, यानी कि आज का जो डॉलर का और रियाल का एक्सचेंज करंट रेट होगा। मैं खुशी से वीडियो बना रहा हूँ, खुशी के साथ ये रेट शेयर कर रहा हूँ जो आपको आज दिखाने वाला हूँ। कमाल होगी जी, मैं यही बोलूंगा। कुछ भाई बोलते हैं जी पाकिस्तानी रुपया नीचे जा रहा है, आप भाई खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सऊदी अरबिया से कमाता हूँ और सऊदी अरबिया से पैसे भेजता हूँ, और मेरी वीडियो भी सऊदी अरबिया में बसे हुए भाइयों के लिए होती है। जाहिरी सी बात है पाकिस्तान में महंगाई होती है, लेकिन भाई मैं मानता हूँ महंगाई होती है, इससे तमाम तर फैमिलीज के ऊपर असर होता है, लेकिन हम सऊदी अरबिया में रहने वाले तमाम तर अखबाब को आपको पता है हमारी उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाती है। जैसा कि पहले एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, यानी कि अगर डॉलर रियाल ऊपर जाएगा पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है महंगाई डॉलर ऊपर जाएगा महंगाई होगी, डॉलर का असर रियाल के ऊपर होगा, रियाल भी ऊपर जाएगा तो हमारी उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी, महंगाई का हमारे ऊपर असर नहीं होने वाला है जो सऊदी अरबिया से कमाते हैं। हाँ, पाकिस्तानी रुपया नीचे आता है, ये एक अफसोसनाक बात है, ये मैं भी मानता हूँ। बहरहाल आपको यहाँ पर मैं आपको पहले डॉलर रेट दिखा दूँ, क्योंकि 207.91 रुपये से 210.10 रुपये हो चुका है, यानी कि तकरीबन 2.20 रुपये एक ही दिन में डॉलर ऊपर गया है जी। अभी आपको मैं यहाँ पर रियाल रेट दिखाता हूँ, पहले एक्सचेंज रेट देख लें जी आप। सबसे पहले 56, यानी कि इससे पहले मुझे नहीं लगता 56 का फिगर लगा हो एक्सचेंज रेट में, 56 लग चुका है जी। और इंडिया की बात करें 21, एंड बांग्लादेश टके की बात करें तो आपको जी वो मिल जाएगा 24.95, यानी कि 25% हो चुका है। मुस्लिम बैंकों के हिसाब से भी सुन लें। सबसे पहले राजी बैंक के मुताबिक बात कर लेते हैं, जिनका आज का रेट 54.31 रुपये हो चुका है और 10 रियाल फीस के साथ है। लास्ट में आपके साथ बात करूंगा, सुनते जाइएगा। एसटीसी पे के मुताबिक आपको बता दूं मैं, 54.47 रुपये रेट दे रखे हैं, 17.25 रियाल फीस है। इंजाज बैंक के मुताबिक 54.52 रुपये रेट एंड 17.23 रियाल फीस के साथ है। बैंक अल जजीरा फौरी बैंक, इनका रेट है 54.18 रुपये 10 रियाल फीस के साथ है। वेस्टर्न यूनियन के मुतालिक बात करें, जिनका रेट 54.63 रुपये रहा है, 23 रियाल फीस के साथ है। मनीग्राम के मुतालिक बात करें तो आपको 55 रुपये रेट मिलेगा मनीग्राम में, 55.13 रुपये और 23 रियाल इनकी फीस है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मुतालिक बात करें तो आपको 54.85 रुपये रेट मिलेगा, 15 रियाल इनकी फीस है। अगर बात करें हम क्विक पे के मुताबिक, तो क्विक पे इस वक्त में 54.65 रुपये रेट दे रहा है, 10 रियाल और 17 रियाल फीस के साथ है। लास्ट में बात यह करने वाला था कि ईद की छुट्टी खत्म हो चुकी है, आपने शायद इससे पहले पैसे भेज दिए कुर्बानी वगैरह के लिए, लेकिन अगर आपके पास रुके हुए हैं पैसे तो अभी एक हफ्ता रोक ले, रेट जो है मुझे लगता है कि ये 60 के ऊपर जाने वाला है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी भेजना चाह रहे हैं 2-4 दिन में तो एक हफ्ता रोक लें, फिर देखते हैं।